नमस्कार मित्रों, चर्चा चल रही है ग्रहों के बारे में। कल हमने सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा की थी, उसके उपाय बताए थे और सूर्य के लक्षण बताए थे अच्छे या बुरे होने के। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध कुंडली में एक विशेष स्थान रखता है। बुध को राजकुमार की संज्ञा दी जाती है और यदि किसी व्यक्ति का बुध अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो उसे हर तरफ से संपन्नता, धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य प्रदान होता है। बुध ग्रह से व्यक्ति अच्छा व्यापार करने वाला, बुद्धि में तीक्ष्ण, और जिसका बुध अच्छा होता है वो वाणी में बहुत अच्छा होता है। वाणी का भी कारक ग्रह बुध को ही माना जाता है। बुध स्वास्थ्य से भी देखा जाता है। जिसका बुध अच्छा होता है वो व्यक्ति हमेशा जीवन में सफलता हासिल करता है। घर गृहस्थी में भी उसका बैलेंस हमेशा बना रहता है। परंतु मित्रों, जिनका बुध खराब होता है उनको एक तो वाणी दोष बहुत होता है। बार बार हर बात को बोलते समय दोषपूर्ण बोलेंगे, होंठों पर हमेशा उनके पपड़ी जमी रहेगी या कह लें कि मुंह से स्मेल आएगी, बदबू आती रहेगी। इसके साथ साथ दांतों के विकार भी बुध देता है। यदि बुध की स्थिति कुंडली में बहुत खराब होगी तो आपका व्यापार में बहुत बाधाएं आएंगी। आपका व्यापार चलेगा नहीं। यदि आप बार बार व्यापार बदलते रहेंगे और नया व्यापार करेंगे और बुध की स्थिति को आप ठीक नहीं करेंगे तो आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके साथ साथ घरेलू मतभेद भी बहुत रहते हैं। जिन लोगों को कुंडली में महादशा बुध की चल रही हो, बुध की अंतरदशा चल रही हो, उन्हें कुंडली में विशेष योग भी बनते हैं, जिसमें राजयोग भी बनता है। बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो कि एक महायोग माना जाता है। मित्रों, इसके अतिरिक्त यदि बुध ग्रह आपका ठीक है तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी, धन दौलत मिलेगी। बुद्धि में आप तीक्ष्ण होंगे, पढ़ाई में बहुत तेज होंगे। बुध तेज वाले व्यक्ति शिक्षक होते हैं और इसके साथ साथ सरकारी जॉब में होते हैं, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में। काम का जो हिसाब किताब, पैसे का लेन देन, इसके लिए बुध ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है। शेयर मार्केट से संबंध रखने वालों का भी बुध ग्रह बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये बुध यदि खराब है तो मैंने बताया कि आपको क्या दोष हैं और ठीक है तो क्या है। परंतु ये तो हुए लक्षण। अब बुध ग्रह को आप कैसे प्रसन्न करें, कैसे उसको आपके पक्ष में करें ताकि आपके जीवन में भी आए खुशहाली। तो सबसे पहले तो माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। हर रोज आपको दुर्गा चालीसा या दुर्गा जी का कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप 400 ग्राम धनिया बुधवार के दिन जल प्रवाह करते हैं तो विशेष योग बनाता है। साबुत धनिया आप ले लिया करें 400 ग्राम और बहते पानी में उसे प्रवाहित किया करें। इसके साथ साथ आपको गणेश भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को दुर्वा और मोतीचूर के लड्डू या मोदक उन्हें प्रदान करने चाहिए। आपको सिंदूर भी गणपति जी को अर्पित करना चाहिए, इससे भी बुध ग्रह ठीक रहता है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष और आप साथ में 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 4 और 10 मुखी रुद्राक्ष दोनों ही बुध ग्रह को बहुत उच्च में ले जाते हैं, लाभ देते हैं। इसके साथ साथ आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं, वो आप अपनी कुंडली दिखा करके धारण करें। दान देना चाहें तो आपको हरी वस्तुएं, हरे वस्त्र या पन्ना यदि आप दे किसी को दान तो वो भी लाभदायक होता है। इसके साथ साथ आपको साबुत मूंग की दाल रात को भिगो करके मंगलवार रात को रख दें और बुधवार को सुबह कांसे की थाली में डाल करके आपको मंदिर में दान देनी चाहिए या गाय को खिलानी चाहिए।
मित्रों, बुध के बहुत से उपाय हैं, इनमें से एक बहुत ही शानदार उपाय मैं बताने जा रहा हूं। यदि आपका बुध नीच भाव में हो, आपको बोलते समय आप बार बार अटकते हो, आपको किसी से बात करते समय कॉन्फिडेंस ना रहता हो, बिजनेस आपका ना चलता हो, तो आपको एक कॉपर का कॉइन, मोरी वाला सिक्का, तांबे का, सफेद धागे में डाल करके गले में धारण करना चाहिए बुधवार के दिन, और बुध के मंत्र का हर रोज जाप करना चाहिए। ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बुध का बीज मंत्र आप देख करके और अपने गुरु से मंत्र लेकर के भी इसका जाप कर सकते हैं। ये थी बुध ग्रह की छोटी सी जानकारी। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। धन्यवाद। जय माता दी।